So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Why I am making this video? Because I'm going to update my health issue I'm going through right now. So actually mera flight 25 ko tha डिब्रूगढ़ से, क्योंकि होलोंगे का प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, तो इसलिए होलोंगे कैंसिल करके मैंने कटवा लिया डिब्रूगढ़ का. डिब्रूगढ़ का मैंने कटवाया 25 को था. मुझे अचानक से वो महसूस हुआ लाइक मेरा बैक में पेन बहुत जोर का हुआ था. क्यों बोलने से दिल्ली में भी मेरा बैक पेन बहुत हो रहा था लाइक कुछ बैन करने से, लाइक कपड़ा धुलाने से, कुछ सामान पकड़ने से, बड़ा बड़ा सामान, भारी सामान, तो उसके वजह से मेरा बैक इश्यू बहुत ज़ोर से हुआ था. पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ नहीं होता है, लाइट थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, लाइक इश्यू को मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, तो मैंने क्या किया, इट्स ओके लीव इट बोल के. तो आज मैंने जब कल जब 25 को मैं जब वापस एयरपोर्ट जा रही थी डिब्रूगढ़ से, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे बंडरदेवा में मुझे पेन होना शुरू हो गया था, बैक पेन. तो मैंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि मुझे बैक बहुत पेन कर रहा है, बहुत जोर का पेन कर रहा है. बट वो लोग मुझे बोला कि ठीक हो जाएगा, एयरपोर्ट पहुँच जाएगा हल्के, ठीक हो जाएगा, फार्मासी से हम लोग दवाई दे देगा हल्के. तो मैंने पेन किलर खाया. पेन किलर खाने के बाद मेरा ठीक नहीं हुआ, तो मुझे इतना पेन हुआ कि मैं खड़े ही नहीं कर सकी. उसके बाद मैंने एक आसाम के एक आई डोंट नो द नेम, एक हॉस्पिटल था, उसमें हम गया. उसमें हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ मेरे पापा ने रिसेप्शन में लाइक डॉक्टर है क्या पूछा, तो लोग ने कहा हाँ डॉक्टर है. तो मैंने इमरजेंसी डॉक्टर में गया. उसके बाद वहाँ में गया तो उसने लाइक मुझे व्हीलचेयर में बैठाया, क्योंकि मैं लिटरली वॉक नहीं कर सक रही थी, मेरा इतना पेन हो रहा था. लाइक मेरा जो बैक पेन है वो पूरा पैर तक पहुँच गया था, तो उसके वजह से मैं वॉक नहीं कर सकी. तो उसके बाद मैंने व्हीलचेयर में बैठा, उसके बाद मुझे व्हीलचेयर में ले गई, उसके बाद मुझे इंजेक्शन वगैरह से मांगा, फिर दवाई वगैरह दिया, पर दवाई वहाँ कर मैंने नहीं लिया. उसके बाद मैंने वापस आ गई. उसके बाद आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट खाया. ब्रेकफास्ट खाने के बाद मुझे अजीब सा लाइक गरम गरम, जब भी मुझे डिजीनेस होता है मुझे गरम गरम फील होता है अंदर से, तो मुझे बहुत गरम वाला फील हुआ. तो ऐसे होने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बेड में रेस्ट करते हैं. तो मैंने जैसे ही मेरे दरवाजा से गई, मैं डायरेक्ट फेल डाउन डायरेक्ट मैं गिर गई. उसके बाद गिरने के बाद मुझे माथे में मेरे माथे अभी तक दर्द दे रहे हैं, इतना पेन हुआ मुझे. आई वॉज लाइक गिर ही गया था मैंने. उसके बाद थोड़ा सा आँख खोल के मैंने तभी अपने पापा को बुलाया. तभी वो लोग सोचा कि क्या के लिए बुला रहा है लाइक. तो मेरे पापा ने सोचा कि मेरा बेटी बेहोश तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं यूजली बहुत होती हूँ. उसकी वजह से मेरे भाई आए, मेरा भाई और मम्मी ने मुझे पिकअप करके या मैं बेड में लाया. उसकी वजह से मैंने जब उठ के देखा तो मुझे बहुत पेन हुआ माथा पे. क्यों बोलने से मेरा माथा यहाँ पूरा स्वेलिंग हो गया था, पूरा फूल गया था. उसके बाद मैंने मुझे वही दिन को निभा क्लिनिक एमरजेंसी ले गया. निभा क्लिनिक में ले गई, उसके निभा क्लिनिक में मुझे फिर वो किया, ट्रीटमेंट वगैरह किया, ब्लड टेस्ट वगैरह, इंजेक्शन मारा, उसके बाद दवाई सवाई दिया. उसके उसमें भी मुझे डिजीनेस बहुत हो रहा था, तो मैंने मुझे व्हीलचेयर में बैठा देता, क्योंकि लिटरली मैं वॉक नहीं कर सक रही थी वापस. उसके बाद ऐसे होने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि हो जाएगा, लेट्स थोड़ा ताकत स्ट्रांग बनते हैं. तो मैंने जैसे तैसे करके घर आ गया. घर आने के बाद मैंने फिर उसके नेक्स्ट दिन में मैंने गोम्पा मंदिर के सामने एक वो है बोलते लाइक लोकल ट्रीटमेंट एक है, तिब्बतियन डॉक्टर है उधर पे, तो आप लोग भी जा सकते हो वहाँ में. लाइक वहाँ में ट्रीटमेंट जो इंजेक्शन वगैरह से कुछ कुछ करके पता लगाते हैं कि आपके बदन में कौन सी जगह में एक्जैक्टली दर्द है. तो वहाँ में मैंने गई, मैं जाने का मुझे ट्रीटमेंट किया. बहुत पेन था ट्रीटमेंट, जो बहुत ही पेनफुल था. उसके बाद उसने पता किया कि मेरे जो बैक है उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके वजह से मेरे पैर तक फैल गए हैं, जिससे मैं वॉक करने बहुत तकलीफ हो रहा है. तो वो प्रोसेस को डॉक्टर निभा क्लिनिक में जो डॉक्टर था उसने भी मुझे बताया, और ये तिब्बतियन डॉक्टर जो था वो भी मुझे बताया. तो ऐसे होने के बाद मैं अभी दवाई ले रही हूँ. तो अभी मैं लाइक आज भी मैंने आरके मिशन में भी देखा लाइक कुछ मुझे स्कैन करना है, सीटी स्कैन वगैरह कुछ कुछ करना है बोला. तो उसमें भी मैं गई, तो
तो आज डॉक्टर नहीं थे तो ये वेनसडे फ्राइडे ऐसे को जा सकते हैं। उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद मैं मसाज करने जाऊंगी, लाइक हाफ बदन को मैं मसाज करने जाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। और गाइस मुझे यही अपडेट देना था आप लोगों को कि क्यों मैं इतना देर से व्लॉग नहीं बना रही, और मैंने दिल्ली जाने का कहा था बट दिल्ली नहीं गई। और मेरा जो ट्रिप स्टोर है वो वहाँ का भैया जो डिलीवरी भैया है, मैं सोचा था कि 25 को जाके मैं लाइक डिलीवरी कर दूंगी जो बुकिंग किया है, बट मेरा ये हालत हो गया, वो इतना अचानक से हुआ तो उसके वजह से मैं दिल्ली नहीं जा सकी। और बुक वाला जो अभी कपड़ा लोग जो बुक करके रखा हुआ अभी तक पेंडिंग है। तो अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स लोग देख रहे हैं जो भी मेरा ऐसे ख़रीदा है कपड़े वगैरह, उसको मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा पेंडिंग हो गया, इलेक्शन की वजह से बहुत पेंडिंग हो गया, और अभी भी मैं ये लाइक बुकिंग लोग को हम पार्सल नहीं कर सकते क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यू का वजह से। आई होप आप लोग मेरा साथ देगा। तो गाइस यही अपडेट देना था। आई होप आई एम गोइंग टू डू वेल। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। आप लोगों को यही अपडेट देना था मेरा हेल्थ इश्यू के बारे में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय, बी बैक सून विद माई गुड हेल्थ। बाय गाइज़।